Hello student, welcome to Bala Biology World. Today we will discuss about phylum Platyhelminthes. Now first of all, we have to know about the term from where Platyhelminthes is come. Now first of all, platy equal to flat and helmin equal to worm. That's mean Platyhelminthes, कुल मिला के Platyhelminthes का मीनिंग क्या हो रहा है कि they are commonly called flat worm. ठीक, अब flat worm कैसे पहचानेंगे हम? देखिए ये एक लीफ है, राइट? तो लीफ का ये ऊपर का सरफेस है जहाँ पर धूप गिरता है, ये हो गया डोर्सल सरफेस। और नीचे का ये जो सरफेस है, जो नीचे रहता है, इसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। तो Platyhelminthes जो एनिमल होता है वो होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मीन ये हो गया इसका डोर्सल सरफेस, ये हो गया वेंट्रल सरफेस। तो ये इस तरह से फ्लैट होता है, कॉम्प्रेस्ड होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, राइट? तो ये जो एनिमल है ये कैसा होता है, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। बच्चों ये वर्ड का मतलब आपने समझा क्या? माने कि मेरा हाथ है, ये डोर्सल सरफेस, ये हो गया वेंट्रल सरफेस, तो ये कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। इसलिए ये जो Platyhelminthes का एनिमल, इसको हमने कॉमनली क्या बोला, फ्लैट वर्म। और यहाँ पर आपने जाना Platys इक्वल टू फ्लैट और हेलमिन इक्वल टू क्या होता है, वर्म। तो Platyhelminthes का मतलब हुआ कि ये क्या है, फ्लैट वर्म है, राइट? अब देखिए ये जो एनिमल है, सारा एनिमल जो Platyhelminthes फाइलम में पाया जाएगा, करीबन यहाँ पर ये फाइलम में 13,000 स्पीशीज पाया जाएगा। कितना स्पीशीज पाया जाएगा, 13,000, राइट, 13,000। अब ये जो एनिमल है, सारा एनिमल, लगभग मोस्ट ऑफ द एनिमल आर पैरासाइटिक इन नेचर, एंड सम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब क्या है, ये अकेला ही जी लेगा, पर कुछ लोग होता है कि पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक का मतलब समझ लेते हैं कि मानिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग, ठीक, मैं ह्यूमन बीइंग को इस तरह से ही रिप्रेजेंट करूंगा, एक ह्यूमन बीइंग, राइट, इसका हैंड है और यहाँ पर दो चार बाल भी बना देता हूँ, ये ह्यूमन बीइंग। अब इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी फ्लैट वर्म इस एनिमल को अटैक किया, ह्यूमन को अटैक किया, ठीक, तो मानिए कि इसके अंदर एक वर्म आ गया, फ्लैट वर्म आ गया। अब फ्लैट वर्म जब भी इसके अंदर रहेगा तो फ्लैट वर्म क्या करेगा, यहाँ से शेल्टर एंड फूड लेगा, मतलब ह्यूमन बॉडी से क्या लेगा, शेल्टर एंड फूड। और बदले में ह्यूमन को क्या मिलेगा, ह्यूमन को मिलेगा घंटा, कुछ नहीं मिलेगा इसको। ऊपर से क्या हो जाएगा, डिजीज कॉज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जो भी पैरासाइटिक एनिमल रहेगा, मतलब ये जो हेलमिन से, ये पैरासाइटिक एनिमल, और जिसके अंदर ये रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिजीज गिफ्ट करेगा, डिजीज कॉज कराएगा, ठीक। और ये जो हम हो गया, हम मान लो हमारे अंदर पैरासाइट रह रहा है, तो हम हो गया उसके लिए होस्ट, ठीक, और Platyhelminthes क्या हो गया, पैरासाइट। तो ये पैरासाइट हमेशा कोई जो भी एनिमल के अंदर रहेगा वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। बात समझ में आया? अब देखिए इसका जो बॉडी है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और इसका फिर क्या है, दूसरा और भी बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, जैसे कि इसका बॉडी में क्या है, बॉडी इज नॉट ट्रूली डिवाइडेड, नॉट ट्रूली सेगमेंटेड, राइट। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसका बॉडी में दे एग्जिबिट स्यूडो सेगमेंटेशन या तो फॉल्स सेगमेंटेशन।
अब देखिए स्यूडो सेगमेंटेशन या फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंट इज ओनली सीन फ्रॉम एक्सटर्नली, मतलब बाहर के साइड से आपको लगेगा कि इसका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, पर अंदर जब काटोगे तो अंदर से आपको सेगमेंटेड नहीं दिखेगा। जैसे कि हमने ये आर्थम के बारे में जानते हैं, आर्थम केचुआ, तो आर्थम का बॉडी कैसा है, वो बाहर से भी सेगमेंटेड है, इस तरह से बाहर से आर्थम का बॉडी क्या मिलेगा, सेगमेंटेड मिलेगा, पर आर्थम को जब काटोगे तो अंदर से भी इसका सेगमेंट नजर आएगा। पर ये प्लैटीहेल मिंथिस, जैसे कि मानिए कि ये एक प्लैटीहेल मिंथिस है, राइट, ये एक प्लैटीहेल मिंथिस है, ठीक, तो इसका बॉडी आपको खाली क्या दिखेगा, बाहर से क्या दिखेगा आपको, सेगमेंटेड दिखेगा, ठीक, बाहर से इस तरह से सेगमेंटेड दिखेगा, पर ये कभी भी अंदर से इसको जब काटोगे तो ये अंदर से कभी भी सेगमेंटेड नहीं दिखेगा। तो इसको इस तरह का सेगमेंटेशन को बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन, राइट। अब देखिए इसका बॉडी कैसा है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल, कैसा है बच्चों इसका बॉडी, बाईलेटरली सिमेट्रिकल, बाईलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर और एक एनिमल मैं बना दे रहा हूँ, मानिए कि ये एक एनिमल है, राइट, ये एक एनिमल है और ये इसका आंखें है, तो ये कैसा एनिमल, इसका नाम है प्लानेरिया, प्लानेरिया, राइट। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लानेरिया जो है ये किसके अंदर आता है, प्लैटीहेल मिंथिस के अंदर आता है, और ये जो एनिमल है इसका नाम टीनिया सोलियम, ये भी क्या है, प्लैटीहेल मिंथिस के अंदर आता है, और ये देखिए फ्लैट है, ठीक है, ये रिवन जैसा है, फ्लैट है, तो इसलिए इसको फ्लैट आर्म बोला गया। अब देखिए बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसको अगर हम आप ऊपर से नीचे तक इस तरह से काटोगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीट दो मिरर इमेज में बढ़ जाएगा, दो कॉम्प्लीट हाफ हो जाएगा, और अगर आपको आप इसको इस तरह से काटा तो देखो ये जो आई है, ये जो आई ये ऊपर के हिस्से में चला जाएगा, नीचे के हिस्से में कोई आई रहेगा ही नहीं, तो ये अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आप एक ही बार काट सकते हो और मिडिल एक्सिस बराबर इसको टॉप टू बॉटम कट कर दोगे, तो इस तरह का सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे कि ह्यूमन बींग जो है ये भी क्या दिखाते हैं, ये भी बाइलेटरली सिमेट्री ही शो करता है। बात समझ में आ गया बच्चों। इन एनिमल किंगडम दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दे आर फास्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, राइट, मतलब इसका बॉडी में हमको कितना जार्म लेयर दिखेगा, सबसे पहली बार ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब शो कर रहा है। जैसे कि इसका बॉडी में तीन जार्म लेयर रहेगा, एक एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरा एकदम इनर लेयर, ये आउटर लेयर रहेगा एक्टोडर्म, और इनर लेयर रहेगा एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंड मिडिल जो लेयर है इसको बोलेंगे मिजोडर्म, मिजोडर्म, ठीक। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसके आगे जो भी फाइलम हमने पढ़ा, पोरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, वो क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था, वहां पर खाली एक्टोडर्म था और एंडोडर्म था, मेसोडर्म डेवलप नहीं हुआ था, वहां पर कौन सा लेयर था, मेसोहिल लेयर, पर यहां पर मेसोहिल लेयर इज कन्वर्ट इन टू मेसोडर्म, ठीक। पर ये जो एनिमल है, ये जो एनिमल है ये क्या होता है, ए सिलोमेट होता है, क्या होता है, ये ए सिलोमेट होता है, राइट, क्योंकि हम जानते हैं ए सिलोम मतलब क्या है, यहां पर ए एनिमल में कोई भी सिलोम नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलोम इज डिराइव फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, पर यहां पर खाली जस्ट मेसोडर्म बन गया, ये मेसोडर्म कभी भी इस तरह से एक एंडोडर्म के साथ स्प्लिट होके नहीं गया और एक्टोडर्म के साथ भी स्प्लिट होके नहीं गया, तो बाद बीच में ये सिलोम नहीं बना पाया, इसलिए इसको क्या बोला गया, ए सिलोमेट एनिमल, ठीक है। और ये जो एनिमल है इससे और एक मतलब एडवांसनेस आ गया, ये क्या होता है, दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले यहां पर ऑर्गन डेवलप हो गया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एसिलोमेट एनिमल एंड
क्या है, इसमें ऑर्गेन डेवलप हो गया, तो ये किस में बिलोंग करेगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब बच्चों एक बात यहाँ पर और देखना है आपको, देखिए यहाँ पर मैं एक एनिमल बना दे रहा हूँ आपको, राइट। ये कौन सा एनिमल आप बता सकते हैं, इसका नाम है प्लानेरिया, थोड़ी देर पहले ही बनाया था इसको। और प्लानेरिया में इस तरह का क्या रहता है, ये आई ई वाई ई, और ये इसका कौन सा सरफेस, डोर्सल सरफेस, राइट। नीचे का जो सरफेस है जो हमको दिख नहीं रहा है वो क्या है, वेंट्रल सरफेस। अब देखिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी मतलब प्लैटिहेल्मिंथिस का एनिमल, मोस्ट ऑफ द प्लैटिहेल्मिंथिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन ओपनिंग, ओपनिंग प्रेजेंट, और एक ओपनिंग रहेगा, और वही एक ओपनिंग क्या करेगा, माउथ का भी काम करेगा एज वेल एज एनस का भी काम करेगा। ये जो ओपनिंग, ये माउथ का भी काम करेगा एज वेल एज एनस का भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक बात, खास बात यहाँ पर आपको याद रखना है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक एनिमल को मैंने ड्रॉ करा था, टीनिया, टीनिया सोलियम, ठीक। टीनिया सोलियम जो है इसको टेप वार्म भी बोला जाता है। ये टेप वार्म में क्या है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं, यहाँ पर नो डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, आप लिख लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो कि टीनिया सोलियम में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं, क्यों, ये एक क्वेश्चन आपको मन में आना चाहिए कि वाई टीनिया सोलियम डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये जो टीनिया सोलियम ये कहाँ पर रहता है बताओ, ये रहता है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का इंटेस्टाइन में अगर रहेगा तो इसको फूड डाइजेस्ट करने का कोई जरूरत है, ऑलरेडी ह्यूमन ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया या अगर खा लिया तो कोई मतलब क्या है, मतलब ही नहीं बनता डाइजेस्ट करने का। इसलिए क्या है, यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब टीनिया सोलियम में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम रहता ही नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब याद रखिएगा। दूसरा बात, अब एक और बात आपको यहाँ पर मतलब मेंशन कराना है, देखिए यहाँ पर कुछ सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद हो गया और एक सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम में संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो तीन सिस्टम है ये क्या रहता है ऑल ओवर प्लैटिहेल्मिंथिस, ये तीन सिस्टम, सारा जो एनिमल है प्लैटिहेल्मिंथिस का इसमें एब्सेंट रहता है, ये याद रखिए होगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्लैटिहेल्मिंथिस फाइलम में, फाइलम का जो एनिमल, कौन सा सिस्टम एब्सेंट रहेगा, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। और स्पेशली टीनिया सोलियम जो एनिमल है उसमें कौन सा सिस्टम एब्सेंट रहेगा, उसमें रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, बात को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि बॉडी वॉल इसका कैसा रहता है, बॉडी वॉल कंटेन ए रॉड शेपेड, सम रॉड शेपेड, बॉडी वॉल कंटेन रॉड शेपेड रैबडोम, क्या बियर करेगा बॉडी ऑल कॉन्टेन रॉड शेपेड रैबडोम इन एपीडर्मिस, एपीडर्मल लेयर में ये क्या कॉन्टेन करेगा, रॉड शेपेड कुछ स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलेंगे, रैबडोम, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इसको बोलेंगे रैबडोम। अब ये रैबडोम का फंक्शन क्या है, रैबडोम देखिए कुछ फंक्शन करता है, यहाँ पर रैबडोम क्या करता है, ये तो एक्चुअली जो भी प्लैटिहेल्मिंथिस का बॉडी में ऐसा रहेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन सर्व करेगा। दूसरा बात, ये क्या करेगा, फूड कैप्चर में हेल्प करेगा, और
इसका एक्चुअली प्रॉपर फंक्शन अभी तक क्या है, प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हुआ, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड अभी तक इसका प्रॉपर फंक्शन ठीक तरह से पता नहीं चला, पर खाली पता चल गया किसका, ये रैबडोम जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है एज वेल एज फूड कैप्चरिंग के लिए भी ये क्या करता है, थोड़ा सा काम करता है। अब देखिए बॉडी वॉल में कुछ जो प्लेटिहेल मिंथिस है वो क्या करता है, कैन कॉन्टेन सिलिया, सिलिया भी कॉन्टेन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर फिर से मैं वही एनिमल बनाना चाहूँगा, ये बताइए कौन सा एनिमल बच्चों, अरे यार क्या देखिए ये कौन सा एनिमल बच्चों बताइए, ये हो गया प्लानेरिया। और प्लानेरिया का बॉडी का जो एपिडर्मल वॉल है ये थ्रू आउट द बॉडी क्या रहेगा, सिलिया पाया जाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सिलिया पाया जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वो मेंशन करा दिया आपको। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एनिमल है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एसिलोमेट एनिमल होता है, और एसिलोमेट एनिमल मतलब क्या है, कोई भी सिलोम नहीं रहेगा, पर यहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एसिलोमेट एनिमल अगर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टोडर्म रहेगा, एक्टोडर्म, उसके बाद क्या रहेगा, मीजोडर्म, उसके बाद क्या रहेगा, एंडोडर्म। ये तो गया जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर। और बॉडी वॉल में जैसे कि मैंने बताया था बाहर का लेयर जो है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेसोडर्म है, पर मेसोडर्म क्या है, स्प्लिट नहीं हुआ इसलिए सिलोम नहीं बन पाया। अब देखिए ये, और इसका बॉडी में ऑर्गेन डेवलप हो गया, तो ये एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के बीच में, ठीक है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, उसके बाद कुछ ऑर्गेन डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया बच्चों, ऑर्गेन डेवलप हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेन के बीच में या एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पर ठीक है, ये सब जगह एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो गया, एक स्पेशल करेक्टर है। तो ये जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलेंगे पेरेन्काइमा। याद रखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी या ऑर्गेन को सपोर्ट करने के लिए क्या हो गया, डिफरेंट लेयर के नीचे क्या हो गया, एक तरह का स्पेशलाइज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो गया, जिसका नाम क्या है, पेरेन्काइमा। याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद देखिए एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस, इसका एक्सक्रिएशन जो है ये कैसे होता है, एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस बाय ए स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्लेम सेल, राइट। ये याद रखिएगा, कभी भी इसको भूलना मत, कि फ्लेम सेल जो है प्लैटिहेल मिंथिस में किसका काम करता है, एक्सक्रिएशन का काम करता है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, एक फ्लेम सेल कैसा होता है ये देख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलेंगे डक्ट, इसको क्या बोलेंगे, डक्ट। बच्चों कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी आप देख लेना, डक्ट। अब डक्ट ऊपर जाके इस तरह से ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, राइट, ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। और ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस, क्या होता है, ये एक सेल है एक तरह का, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और बीच में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म भी होता है, यहाँ पर ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक। और इस जगह पे और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलता है फ्लेम सेल में, ठीक, फ्लेम सेल में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलता है, इसको बोलेंगे सिलिया। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, सिलिया।
तो ये सिलिया बीट करा के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कहाँ पर अल्टीमेटली कहाँ पर डाल देता है, डक्ट पे डाल देता है। और इतना सारा बहुत सारा डक्ट इकट्ठा होके एक जगह ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जमा कर देता है और अल्टीमेटली ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, किसका फिगर हो गया, ये फिगर हो गया द फ्लेम सेल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ द ब्लडी हेल मेंटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा। और एक खास करेक्टर आपके लिए लेके आया, इसका जो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये इसमें भी एक स्पेशलाइज फीचर देखने को मिलता है। ये नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। मतलब लैडर मतलब क्या है, सीढ़ी, सीढ़ी पता है बच्चों आपको, इस तरह से सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाते ना, तो इस तरह का इसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम। और आगे सबसे आगे क्या रहता है, इसका हेड रहता है, हेड में क्या रहता है, ब्रेन। ठीक, तो ब्रेन होता है और दो साइड से ऐसा ऐसा क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल नर्व, ये जो है यहाँ से नीचे तक एनिमल का बॉडी में नीचे तक दो साइड से क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल नर्व, और आगे यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन, ब्रेन, और ये होता है लॉन्जिट्यूडिनल नर्व। और बीच में ये जो क्या है, ये जो बीच में सीढ़ी जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोमाइशर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ट्रांसवर्स कमेशन। तो ये एक स्पेशलाइज फीचर है प्लैटिहेल मेंटिस में जो कोई भी एनिमल में नहीं दिखता, इसमें क्या दिखता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब इसका रिप्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन मोड कैसा रहता है। देखिए सबसे पहले ये तो क्या रहता है, हार्माफ्रोडाइट, हार्मा फ्रोडाइट। और हार्माफ्रोडाइट के बारे में आपको मैंने काफी बार बता चुका हूं कि इस तरह का एनिमल को क्या बोलते हैं, मोनोसियस, मोनो मोनोसियस, या तो इस तरह के एनिमल को और एक टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाई सेक्सुअल। मतलब एक ही बॉडी में, एक ही एनिमल का बॉडी में क्या रहेगा, मेल सेक्स भी प्रेजेंट रहेगा एज वेल एज फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये स्पार्म भी प्रोडक्शन करेगा और क्या करेगा, ये ओभाम भी प्रोडक्शन करेगा सेम बॉडी में। तो इस तरह का एनिमल को क्या बोलते हैं, हार्माफ्रोडाइट एनिमल। अब देखिए इसका फर्टिलाइजेशन फिर कैसा होता है, अगर एक ही बॉडी में स्पर्म ओवम दोनों भी कंटेन करेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसका इंटरनल, इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक, और एक बात और आपको दोहराना चाहूंगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक बात देखिए, ये जो है ये मोनोसियस या हार्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होता है वाला, फिर भी ये क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, CRO, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब आप बोलेंगे कि सर ये हार्माफ्रोडाइट, आप बोल रहे हैं कि हार्माफ्रोडाइट कि अगर ये एक एनिमल हुआ तो ये एनिमल के अंदर स्पर्म भी रहेगा ओबाम भी रहेगा, तो इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का क्या जरूरत है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए कोई भी दो एनिमल चाहिए होता है। ठीक, और यहाँ पर ये अगर हर्माफ्रोडाइट है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का क्या जरूरत है, तो ये अकेला ही मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, मतलब अकेला ही अकेला कर सकता है, ऐसा भी करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता है। वो एनिमल का नाम क्या है, उसका नाम टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक, तो टीनिया सोलियम एक ऐसा एनिमल है प्लाटिहेल मिंथिस के अंदर जो क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है, बाकी लगभग जो एनिमल है वो क्या करता है बताइए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। मान लो ये जो है, ये इसका नाम हो गया वार्म, जेड वार्म, इसका नाम हो गया एक्स वार्म, तो क्या करेगा ये, मतलब एक्स एनिमल से क्या करेगा, स्पाम को यहाँ पर ये एक को फर्टिलाइज करा देगा, और इसका जो स्पाम है ये क्या करेगा, ये इसका एक को फर्टिलाइज करा देगा। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट जो है इसका, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है ये होता है इनडायरेक्ट, याद रखिएगा, मैंने काफी बार आपको सिखाया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इन डायरेक्ट मीन यहां पर आपको क्या नजर आएगा, यहां पर आपको नजर आएगा लार्वा, लार्वा, लार्वा दिखेगा। और आप जानते हैं कि लार्वा डज नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स,
पेरेंट्स जैसा लार्वा नहीं होता, पेरेंट जैसा दिखता है उस तरह का लार्वा बिल्कुल नहीं दिखता। तो ऐसा अगर हुआ कि बेबी जो है ये मतलब पेरेंट्स के जैसा नहीं दिख रहा है, तो इस तरह का डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और एनिमल का बॉडी में, एनिमल जब बच्चा पैदा कर रहा है तो उसका काफ़ी सारा लार्वल स्टेज रहता है, वो मैं आगे यहाँ पर दो एनिमल का लार्वल स्टेज डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक हो गया लिवर फ्लूक, एक हो गया आपका लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, और एक एनिमल का यहां पर डिस्कस करूंगा जिसका नाम टिनिया सोलियम। टिनिया सोलियम, ठीक, ये दो एनिमल को मैं दिखाऊंगा कि इसमें लार्वल फॉर्म कैसे रहता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है। क्योंकि बच्चों मैं बार बार बताया कि इस बार क्या है, कोई मतलब कसर हमको नहीं छोड़ना है, कोई मतलब मौका नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप जानते हैं कि नीट के अंदर और दो एग्जाम को, तगड़ा एग्जाम को शामिल कर दिया, जो टॉप लेवल का एग्जाम है इंडियन मतलब मेडिकल फील्ड में, जो जिपमर एंड एम्स को इसके अंदर शामिल कर दिया। तो अब कोई भी मतलब अवसर हमको नहीं छोड़ना है कि कहाँ से भी क्वेश्चन हमको छूटना नहीं चाहिए, और मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता भी नहीं। तो बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका जो लाइफ साइकिल या तो डेवलपमेंट किस तरह का रहता है। मैंने बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है और इसमें काफ़ी लार्वल स्टेज आपको दिखाई पड़ता है। तो जो लिवर फ्लूक है ये, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, फेसियोला हिपाटिका। एक बार प्रोनाउंस कीजिए बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम, लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम फेसियोला हिपाटिका। तो ये फेसियोला हिपाटिका जो है ये किस तरह का दिखता है, आपको यहाँ पर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। कुछ इस तरह का ये होता है, राइट, इस तरह का होता है फेसियोला हिपाटिका, राइट, इस तरह का पत्ता जैसा दिखता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लिवर में, कहाँ पर बताओ, लिवर ऑफ, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन लिवर ऑफ गोट एंड शिप। ये गोट एंड शिप क्या है, गोट मतलब बकरी और ये क्या है, भेड़, शिप मतलब भेड़। इसका कहाँ पर पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं। अब देखिए ये तो हो गया एडल्ट, एडल्ट हो गया, और इसने क्या करता है, ढेर सारा क्या बनाता है, एग्स, और एग्स फर्टिलाइज हो जाता है किससे, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट, ठीक। तो जाइगोट क्या करता है, जब वह डेवलप होता है तो एक लार्वा में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है बच्चों, ये लार्वा में बदल जाता है, और ये लार्वा का नाम होता है मीरासीडियम। क्या नाम बच्चों, मीरा चिडियम, चिडियम, मीरा चिडियम लार्वा। ये जो मीरा चिडियम लार्वा ये क्या होता है, फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला हेपाटिका। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मीरा चिडियम लार्वा क्या होता है, फर्स्ट लार्वा ऑफ फेसियोला हेपाटिका। अब ये मीरा चिडियम लार्वा का क्या रहता है, कुछ होस्ट रहता है, ये किसी किसी का बॉडी में क्या करता है, मतलब रहना पसंद करते, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख के आप बता सकते हैं ये कौन है, ये हो गया स्नेल, स्नेल। तो मीराचिडियम लार्वा कहाँ पर एंटर करता है, इनसाइड द सेल, स्नेल, यहाँ पर स्नेल के अंदर क्या करता है, मीराचिडियम लार्वा एंटर कर जाता है। तो स्नेल के अंदर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट करके क्या होता है, ये सेकेंड लार्वा स्टेज में बदल जाता है, और सेकेंड लार्वा जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट लार्वा, और ये क्या होता है, सेकेंड लार्वा, सेकेंड लार्वा ऑफ फेसियोला हेपाटिका। ये स्नेल के अंदर ही हो रहा है, राइट। अब स्पोरोसिस्ट लार्वा फिर से बदल जाता है किसमें, रेडिया लार्वा में, किसमें बदल जाता है, रेडिया लार्वा में बदल जाता है, और रेडिया लार्वा क्या होता है, थर्ड लार्वा लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला हेपाटिका। फिर रेडिया लार्वा फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिर से और एक लार्वल स्टेज इसमें दिख जाता है जिसका नाम सरकारिया लार्वा। क्या नाम बच्चों, सरका रिया लार्वा, और सरकारिया लार्वा कौन सा लार्वा हो गया, फोर्थ लार्वल स्टेज, ठीक। तो फोर्थ लार्वल स्टेज से ये क्या करता है, ये स्नेल को छोड़ देता है। अभी तक ये किसका बॉडी में पाया जा रहा था, ये पाया जा रहा था स्नेल के बॉडी में, राइट, स्नेल के बॉडी में ये
पाया जा रहा था, राइट, ये स्नेल के बॉडी में पाया जा रहा था। पर अभी क्या करा इसने, सेन स्नेल का बॉडी को लीव कर दिया। कौन सा लार्वा? ये सरकारिया लार्वा जो है स्नेल को छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको जाना है मतलब उसका जो नेक्स्ट होस्ट उसके पास जाना है, या तो गोट या तो किसके पास, अपना शीप के पास जाना है। अब देखिए सरकारिया लार्वा फिर बदल जाता है किसमें, और एक लार्वा में जिसका नाम है मेटा सरकारिया लार्वा। क्या नाम है बच्चों? मेटा सरकारिया लार्वा। तो मेटा सरकारिया लार्वा स्नेल के अंदर से जब निकलता है, सरकारिया लार्वा स्नेल के अंदर से निकल के क्या होता है, मेटा सरकारिया लार्वा, और ये अटैच हो जाता है किसके साथ, वीड के साथ। वीड मतलब कुछ एक्वाटिक प्लांट हो सकता है, वीड घास पत्ता इसके साथ अटैच हो जाता है। तो जब भी ये वीड के साथ अटैच हो गया, ये घास है मान लो, घास पत्ता है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर ये जो एनिमल है ये कौन है, बकरी। और अब जानते हैं बकरी का मुंह कैसा चलता है, खाली मुंह ही चलता है दिन भर इसका, ठीक है। मैं बहुत मतलब सिंपल डायग्राम बनाया, तो ये खा जाता है। तो खा जाने के बाद ये जो कौन सा मेटा सरकारिया लार्वा, ये किसके अंदर चला गया, अभी गोट के या शीप के अंदर चला गया। तो गोट या शीप के अंदर जाके क्या करेगा, ये फिर से किसमें, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा इसका सेवरल लाइफ का साइकिल का स्टेज, और सेवरल क्या है जो लार्वा स्टेज। तो फर्स्ट लार्वा को मैं एक बार मेंशन करा देता हूँ, मीरासीडियम लार्वा। सेकेंड लार्वा जो है ये कौन सा लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा। थर्ड लार्वा जो है इसका नाम रेडिया लार्वा। फोर्थ लार्वा का नाम सरकारिया, एंड लास्ट वन इज मेटा सरकारिया लार्वा। तो यहाँ से सेकेंड लार्वा से ये कहाँ पर रहता है बताइए, ये स्नेल के अंदर रहता है, और जब फोर्थ लार्वा आता है तो ये स्नेल को छोड़ के कहाँ पर, गोट के अंदर चला जाता है, GOAT, गोट या तो शिव, शिव के पास, भेड़ बकरी के पास चला जाता है। क्योंकि ये मेटा सरकारी लार्वा वीट के साथ लग जाता है, प्लांट घास पत्ता के साथ लग जाता है, और घास पत्ता बकरी को तो खाना ही पड़ेगा, तो इसको अल्टीमेटली कहाँ पर एंटर होना है, बकरी के पास। समझ में आया? ये हो गया किसका, लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंटल स्टेज, राइट। बच्चों आप देखेंगे किसके बारे में, टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को कॉमनली क्या बोलेंगे, टेप वार्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, टेप वार्म, ठीक है। तो देखिए टीनिया सोलियम, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। मैं मैग्नीफाइड सिस्टम में या मैग्नीफाइड वे में इसको ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, राइट। ये हो गया एक टीनिया सोलियम का बॉडी, राइट। टीनिया सोलियम राइट। और ऐसा बहुत बड़ा होता है टीनिया सोलियम, राइट। अब इसका बॉडी में तीन पार्ट हुआ करता है, इसका बॉडी में, राइट। कितना पार्ट हुआ करता है बच्चों? तीन पार्ट हुआ करता है, राइट। यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँगा। इसका जो बॉडी है इसमें ये जो हेड पोर्शन है इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है स्कोलेक्स। ऐसा चार क्या रहेगा इसमें, स्कोलेक्स रहेगा इस तरह से, ठीक। इस तरह से चार क्या रहेगा, ये जो है यहाँ का, यहाँ से ये पूरा ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्कोलेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बोलेंगे SCOLEX। अब देखिए स्कोलेक्स जो है इसमें क्या क्या रहता है, एक रहता है नंबर वन रोस्टेलम। क्या रहता है बच्चों? रोस्टेलम। मैं देखा था एक एक करके क्या है रोस्टेलम क्या है, और क्या रहता है टू रो ऑफ हुक। और एक चीज रहता है जिसका नाम हो गया सकर, ठीक। तो ये जो चार आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सकर, SUCKER।
और इस साकार जो है ये क्या होता है, ये ह्यूमन के अंदर रहता है, ठीक, ह्यूमन का इंटेस्टाइन में रहता है। तो इस साकार जो है ह्यूमन बॉडी को अटैच करने के लिए होता है। और ऊपर में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे रोस्टेलम। क्या बोलेंगे बच्चों? रोस्टेलम, ठीक। तो रोस्टेलम और साकार के हेल्प से ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, हुक करता है। और हुक कैसे करता है, यहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, टू रो में, दो रो में यहाँ पर क्या मिलता है बताओ, यहाँ पर मिलता है हुक। क्या मिलता है? ये जो रो है लाल लाल दिख रहा है इसको बोलेंगे हुक, HOOK। और हुक कितना रो में रहता है? दो रो में रहता है। और दो रो में टोटल कितना हुक पाए जाते हैं बताइए? 22 to 32 जो है हुक पाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टीनिया सोलियम में दो रो में हुक पाए जाते हैं। और ये दो रो में टोटल कितना हुक मिलता है? 22 to 32 हुक मिल सकता है। और रोस्टेलाम और जो साकार है ये क्या करता है, एनिमल बॉडी को काट के रहता है, इंटेस्टाइन में क्या करता है, पकड़ के रहता है। और साकार जो है नंबर में कितना होता है, टीनियोसोलियम में 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक खाली पीली पोर्शन बना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे नेक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यानी सी के नेक। नेक में आपको कोई भी सेगमेंट नहीं दिखेगा, देयर इज नो सेगमेंट, नो सेगमेंट। एक्चुअली यहाँ से सेगमेंट तैयार होता है। अब देखिए, और यहां से लास्ट तक ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे स्टेरोबिला। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इसको बोलेंगे स्टेरोबिला। जो यहां से ये पूरा एनिमल का ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे स्टेरोबिला, स्टेरोबिला, ठीक। और स्टेरोबिला में 3 तरह का सेगमेंट रहता है। स्टेरोबिला जो है इसमें 3 तरह का सेगमेंट रहता है, मैं बताता हूं। एक रहता है तुम्हारा इमेच्योर सेगमेंट, इम मैच्योर सेगमेंट। दूसरा रहता है मैच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट। और तीसरा रहता है ग्रेविड सेगमेंट, ग्रेविड, ग्रेविड सेगमेंट, ठीक। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड, ठीक। ये जो है, ये जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, इसको बोलेंगे इमेच्योर, इमेच्योर, इम मैच्योर, प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड, इमेच्योर, प्रोग्लॉटिड, या तो इमेच्योर सेगमेंट। और ये जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है इसको बोलेंगे मैच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट, या मैच्योर प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड। और लास्ट में जो बड़ा बड़ा सेगमेंट दिख रहा है इसको बोलेंगे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। अब देखिए ग्रेविड प्रोग्लोटिड मतलब क्या है, ये अंडा से भरा हुआ रहेगा। ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड दिख रहा है इसके अंदर क्या रहेगा, फर्टिलाइज एग से ये बिल्कुल भरा हुआ रहेगा, एकदम पैक रहेगा, ठीक है। ये फर्टिलाइज एग से क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम पैक रहेगा, राइट। अब देखिए ये जो मतलब वाम है ये किसके बॉडी में रहता है, ये रहता है ह्यूमन के बॉडी में। किसका बॉडी में रहता है? ह्यूमन का इंटेस्टाइन का बॉडी में। तो जब एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये इंटेस्टाइन में ये जो प्रोग्लॉटिड है ये झड़ जाता है। ये क्या होता है? झड़ जाता है, राइट। और झड़ जाने के बाद ये कहाँ पर आता है? स्टूल में, फिकल मैटर में आ जाता है। तो जो इंसान क्या करता है, रोज क्या करता है, डब्बा लेके देखना, खुले में क्या करने जाता है बताइए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, राइट। ये क्या लग रहा है आपको बच्चों? देखिए जो खोले में सॉसर करने जाते हैं, पू, राइट, पादा, उसके साथ हाग भी दिया इसने, ठीक है। ये क्या है? इसने हागा, राइट। ये क्या है? संडास है, राइट। तो इसके साथ ये ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड है ये क्या होता है, इस संडास के साथ बाहर आ जाता है। और संडास का क्या होता है, पार्टिकुलर एक सेंट होता है, और इस सेंट से अट्रैक्ट हो जाता है एक एनिमल, ठीक। एक एनिमल जो है ये सेंट से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और ये एनिमल को देख के आप बताने का कोशिश कीजिए कौन सा एनिमल है, बताइए, बोलिए कौन सा एनिमल है। ये पिग है, कौन है बताइए? पिग।
तो ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड फीकल मैटर के साथ, ह्यूमन का फीकल मैटर के साथ मतलब रिलीज किया था, ये पिग ने आके क्या करता है, सेंट से अट्रैक्ट होके ये खा लेता है। और ये जो पिग है इसका बॉडी में क्या हो जाता है, ये जो मतलब ग्रेविड प्रोग्लोटिड इसके बच्चा फूट के इसका बॉडी में मांस में फंस जाता है, ठीक है, मांस में फंस जाता है। और इसका ये पिग को मान लो ह्यूमन बीइंग जो है ट्राइबल एरिया का जो ह्यूमन बीइंग, ये मार के क्या करा, पिग को खा लिया, ठीक है। और खाने के बाद कैसे खाया, रॉ पिग, ROW, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मांस खाया, या तो वेल कुक कंडीशन में ये नहीं खाया, ठीक है, अच्छे से पकाया नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली चला जाएगा ह्यूमन बीइंग के पेट में, ह्यूमन बीइंग के पेट में। तो ह्यूमन बीइंग के पेट में जाके ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस जो है ह्यूमन बीइंग के पेट में क्या रहता है, HCL रहता है, भयानक एसिड रहता है, ठीक। तो एसिड से ये क्या करेगा, ये जो वार्म का बच्चा है, टिनिया सोलियम का जो बच्चा है, ये क्या क्या करेगा, रेजिस्टेंस कर लेगा डाइजेस्टिव एंजाइम से, और एसिड से इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा कहां पर, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में जाके, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वहां पर जाके ये फिर से क्या करेगा, ये एडल्ट का रूप लेगा। बात समझ में आया बच्चों, तो ये याद रखिएगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या का लार्वा मिलता है, राइट बच्चों, ये जो टिनिया सोलियम है, टे फॉर्म है, इसमें तीन स्टेज के बारे में मैं बात करूंगा, डेवलपमेंटल तीन स्टेज। इसमें लार्वा दिखता है, जैसे कि यहाँ पर लार्वा होता है, पहले एक इंपॉर्टेंट लार्वा जिसका नाम ऑंकोस्फोर, ऑंको SPH, ऑंको स्फेयर, ठीक है। ऑंकोस्फोर क्या है, ये एक लार्वा है, ठीक। ये लार्वा बाद में डेवलप होते होते क्या करता है, बीच में एक स्टेज बनाता है जिसका नाम है हेक्साकंथ, हेक्साकंथ, ठीक है। हेक्साकंथ क्यों बताया, क्योंकि हेक्साकंथ में मान लो कि ये क्या है, एक मतलब टीनिया सोलियम का वॉर्म है, ठीक है। तो इसने ऑंकोस्फोर जो लार्वल स्टेज ये क्रॉस करके हेक्साकंथ में चला गया, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, चाकू जैसा सिक्स इस तरह का क्या दिखेगा, प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन दिखेगा इस तरह का, बड़ा भयानक दिखता है। तो ये क्या करता है, एनिमल को अटैक कर देता है, और अंदर क्या हो जाता है, एनिमल को डिजीज कॉज हो जाता है। और ये ऑंकोस्फोर से डेवलप होते होते हेक्साकंथ स्टेज पार करके ये अल्टीमेटली आ पहुंचता है कहाँ पर, सिस्टी सर्कस लार्वा में, सिस्टी CESTI, सिस्टी सर्कस लार्वा में, ठीक। तो सिस्टी सर्कस जो लार्वा है ये एक्चुअली क्या करता है, ये डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, सारा जो लार्वल स्टेज है ये डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो आप याद रखिएगा कि टिनिया सोलियम का लार्वल स्टेज कौन है, मेनली कौन है, ऑंकोस्फोर, और दूसरा और एक कौन है, सिस्टी सर्कस, और बीच में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हेक्साकंथ लार्वा, क्या पाए जाते हैं, हेक्साकंथ, जिसमें क्या रहता है, सिक्स ऐसा क्या रहता है, प्रोजेक्शन हुक जैसा रहता है, ठीक है, काइटिनस हुक रहता है, जिससे क्या करता है, एनिमल से ये अटैच होता है। बात समझ में आ गया बच्चों, इसको बोलेंगे हुक, HOOK हुक। बच्चों टीनिया सोलियम जो है इसका दो होस्ट रहता है, ठीक है, एक रहता है प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर ये एनिमल इसका सेक्सुअल साइकिल या मतलब लाइफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, स्पेशली क्या है, मतलब एडल्ट बनेगा, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट जो है मतलब टीनिया सोलियम का, वो कौन है, ह्यूमन बींग, और एक होस्ट रहता है जिसका नाम सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट में कौन रहता है, पिग, ठीक है। पिग के अंदर कोई साइकिल नहीं होता, ये एडल्ट नहीं बनता, पिग के अंदर जाके क्या करता है, वो जैसे कि मैंने साइकिल आपको बताया, फीकल मैटर के थ्रू पिग के अंदर जाता है, और ये मसल में, पिग का मसल में फंस जाता है, और पिग का मसल अगर क्या करता है, ह्यूमन बींग रॉ एज ए रॉ पॉर्क खा लिया, या वेल कुक कंडीशन में नहीं खाया, तो क्या होता है, उसमें ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो जाता है, और टीनिएसिस बोल के एक डिजीज कॉज कराता है, ठीक है बच्चों। बच्चों एक टीनिया प्लैटिहेलमिंथिस का एक और खासियत है, इसमें दे हैव ग्रेट रीजेनरेशन पावर, रीजेनरेशन पावर इज वेरी वेरी हाई,
हाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक एनिमल के बारे में, मैं फिर से वही एनिमल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कौन है बताइए? ये हो गया प्लानेरिया। अब मानिए कि प्लानेरिया को आपने क्या कर दिया, प्लानेरिया को आपने कट कर दिया, राइट, इस तरह से ये चाकू से इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कट कर दिया ये चाकू से, राइट, ये चाकू है इससे आप कट कर दिया। तो कट कर देने से इसका दो हिस्सा बनता है, दो हिस्सा में से क्या होगा, ये इसके पास इतना ज़बरदस्त कैपेसिटी है, ये देखिए ये एक हिस्सा हो गया और नीचे का ये एक हिस्सा हो गया, राइट। अब ये माथा का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, अब ये क्या करेगा, ये मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या करेगा, ये जो हेड का हिस्सा, यहाँ से ये पूरा नीचे का पार्ट कंप्लीट बना लेगा, और ये जो नीचे का हिस्सा, यहाँ से भी वो ऊपर का पूरा पार्ट ये क्या कर लेगा, रीजनरेशन कर लेगा। तो प्लानेरिया या तो प्लैटिहेल मिंथिस जो है, इसमें क्या रहता है, इस तरह का बहुत ज़्यादा क्या रहता है, रीजनरेशन कैपेसिटी रहता है। अब देखिए इसका यूनिक फीचर क्या है, प्लैटिहेल मिंथिस फाइलम का यूनिक फीचर जो है, इसमें क्या रहता है, एक्सक्रीटरी जो सेल रहता है वो क्या है, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था। दूसरा बात, ये इसका ऑर्गेन के अंदर या मतलब टिश्यूज के अंदर क्या रहेगा, एक पार्टिकुलर खास मतलब ये पाया जाएगा, टिश्यू पाया जाएगा जिसको बोलेंगे पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। एक बार पहले एक बार आपको ये डिस्कस कर दिया मैंने। और देखिए इसका नर्वस सिस्टम कैसा रहता है, लेडर लाइक, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है ये आप खाली आपको खाली कहाँ पर मिलेगा, प्लैटिहेल मिंथिस फाइलम में ही क्या मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट में आ गया, आप देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन में यहाँ पर तीन क्लास में प्लैटिहेल मिंथिस फाइलम को डिवाइड कर दिया गया, तीन क्लास में डिवाइड कर दिया। एक पहला हो गया टर्वेलरिया, कौन सा, टर्वेलरिया, टर्वेलरिया, ये क्लास है CLASS, तीन क्लास है। पहला क्लास टर्वेलरिया, दूसरा क्लास जो है इसका नाम ट्रिमाटोडा, TREMATODA, एंड तीसरा जो क्लास है लास्ट क्लास, इसका नाम सिस्टोडा, CESTODA, याद रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल, ये जो टर्वेलरिया है इसमें बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल आएगा प्लानेरिया, प्लानेरिया, और प्लानेरिया का साइंटिफिक नेम जो है उसका नाम क्या है, डगेसिया, DUGESIA, प्लानेरिया का साइंटिफिक नेम क्या है, डगेसिया, याद रखिएगा बच्चों। और ट्रिमाटोडा में क्या आता है, जैसे कि आता है फेसियोला, फेसियोला जिसका मैंने लाइफ साइकिल आपको पूरी तरह से बताया, इसमें 5 लार्वल स्टेज रहता है। उसके बाद और एक पॉपुलर एग्जाम्पल आता है जिसका नाम पॉलीस्टोमम, 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 राइट। और एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूँगा सिस्टोसोमा, कौन सा बच्चों, SCHIS, सिस्टोसोमा, राइट। ये जो है बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है किसका, क्लास ट्रिमाटोडा का। अब लास्ट बच गया किसका, ये बच गया आपका सिस्टोडा। देखिए यहाँ पर आएगा और एक पॉपुलर एग्जांपल जिसका नाम टीनिया सोलियम, जिसको टेपॉम के नाम से जाना जाता है। और एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पर इकाइनोकॉकस, ECHINO, इकाइनोकॉकस, राइट। तो ये बच्चों बड़ा सावधानी से और बड़ा तेजी से फुर्ती से ये क्या करना, याद करना, कुछ और बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। तो बच्चों अभी अभी आपको बताया कि क्लास ट्रिमाटोडा के अंदर एक एग्जांपल सिस्टोसोमा, ठीक है। तो ये सिस्टोसोमा जो है इसको कॉमनली क्या बोलते, इसको कॉमनली बोलते, बड़ा पॉपुलर है ये, याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, इसको बोलते ब्लैड फ्लूक, ब्लैड फ्लूक, ठीक है। और ये किसके अंदर रहता है ब्लैड फ्लूक, इसका दो होस्ट रहता है, ठीक है। एक तो हो गया प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट जो है ये कौन हो गया, ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक। और जो सेकेंडरी होस्ट, ठीक, सेकेंडरी होस्ट है इंटरमीडिएट होस्ट, ये हो गया स्नेल, स्नेल,
जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था, ये कौन है, ये स्नेल है। तो स्नेल हो गया इसका इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट, और प्राइमरी होस्ट में कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग। अब देखिए सिस्टोसोमा जो है इसको क्या बोला जाता है, कॉमनली ब्लड फ्लू, क्योंकि ये ब्लड के अंदर रहता है, ह्यूमन के ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। और ये अगर ब्लड के अंदर रहने लगेगा तो क्या करेगा, ये ऑब्वियसली ब्लड को सक करेगा, तो कोई कोई ना कोई डिजीज कॉज होगा, और वो डिजीज का नाम क्या है, सिस्टोसोमियासिस। और ये सिस्टोसोमियासिस अगर लोगों को हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम दिखता है, एक तो दिखता है इसमें एनीमिया, एनीमिया राइट, क्या दिखता है बच्चों, एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड अगर दिन भर ये चूसते जाएगा तो ब्लड कम हो जाएगा, तो ब्लड कम हो जाने से उसको क्या बोलते हैं, उस तरह का डिजीज को उसको बोलते हैं एनीमिया। और आपको डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा राइट। तो ये डिजीज हो जाएगा, आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड फ्लू है ये इंसान के अंदर रहने से क्या होता है, आपको हो जाएगा सिस्टोसोमियासिस बोल के एक डिजीज, और इसका सिम्टम क्या है, आपका बॉडी में खून कम हो जाएगा और डायरिया भी होने लगेगा। अब देखिए ये कहाँ पर रहता है, एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक सिस्टम है, एक्चुअली ये रहता है हिपाटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर, कहाँ पर रहता है बच्चों, ये रहता है हेपाटिक पोर्टल बोल के एक सिस्टम रहता है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखिए और यहाँ पर एक ऑर्गन और बना दे रहा हूँ मैं राइट, इसका नाम क्या है, इसका शेप देख के आप बताने का कोशिश कीजिए बच्चों, ये कौन है, ये हो गया लीवर, लीवर, और ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए आपने अगर खाना खाया, फूड इंटेक किया, तो फूड यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर आ जाएगा, ये इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा राइट। मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया, और इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होके ये ब्लड वेसल के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ पर जाके पहुँचेगा, फूड ब्लड वेसल के थ्रू ये फूड जाके कहाँ पर पहुँचेगा बताइए, ये एक सिस्टम के थ्रू ये जाएगा लीवर में, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में भी जाएगा, पर ये जो फूड एब्जॉर्ब फूड ये कहाँ पर चला गया, लीवर में चला गया। तो ये जो ब्लड वेसल है इसको बोलेंगे हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, क्या बोलेंगे बच्चों, हेपाटिक, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो आपका सिस्टोसोमा ये कहाँ पर रहता है, ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में, ये जगह पे दिखता है, मतलब इसको फूड कैप्चर करने का कोई मतलब ये है चिंता है नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इंटेस्टाइन से बहुत सारा फूड है, और ये फूड आराम से ले सकता है, और यहाँ पर जी रहा है, और ब्लड चूस के क्या कर रहा है, इंसान को ख़त्म कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ये जगह पे कौन रहता है, सिस्टोसोमा रहता है, और बॉडी में रहने से कौन सा डिजीज होता है, सिस्टोसोमियासिस बोल के एक खतरनाक डिजीज क्या होता है, कॉज होता है बच्चों। तो ये हुआ अपना नंबर वन इन्फॉर्मेशन। अब नंबर टू में हम देखेंगे और एक एनिमल के बारे में जिसका नाम फेस्सियोला, एक बार ऑलरेडी बताया फेसियोला हेपाटिका। तो इसका फेसियोला हेपाटिका का मतलब होस्ट कौन है, एक तो गोट और दूसरा शीप। तो ये जो गोट एंड शीप ये क्या होता है, ये जो है ये होता है प्राइमरी होस्ट, इसका प्राइमरी होस्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है ये क्या होता है, ये होता है स्नेल। सेकेंडरी होस्ट जो है ये कौन हो जाता है बच्चों, सेकेंडरी होस्ट होता है एक स्नेल राइट। तो स्नेल का बॉडी में क्या मिलता है, फेसियोला हेपाटिका, फेसियोला हेपाटिका, उसके बाद गोट एंड शीप के अंदर चला जाता है। तो गोट एंड शीप के अंदर अगर चला जाता है तो ये डिजीज कॉज करता है, और डिजीज का नाम क्या है, उसका नाम है फेसियोलिएसिस। क्या नाम है बच्चों, फेसियोलिएसिस राइट, ये याद रखना बच्चों कोई भी हाल में, कि फेसियोला हेपाटिका अगर बॉडी में रहने लगेगा तो ये एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम क्या है, फेसियोलिएसिस राइट बच्चों। अब देखिए अब लास्ट पार्ट में आ गए, अब देखेंगे टिनिया सोलियम के बारे में। तो टिनिया सोलियम जो है इसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेप वार्म, टेप वार्म बोलेंगे, या तो पॉर्क टेप वार्म, क्योंकि ये किसके बॉडी में पाए जाते हैं,
इनिशियली पीग के बॉडी में, ठीक, तो पीग के बॉडी से ह्यूमन के बॉडी में आता है। तो और ये जो टिनियसोलियम, ये अगर ह्यूमन के पास रहेगा तो ये एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम टिनियसिस, ठीक। और लास्ट एक है जिसका नाम क्या है, टिनिया सेजिनाटा, सेजिनाटा, तो इसको बोलते हैं बीफ टेप वार्म, मतलब कोई अगर गाय भैंस का मतलब मांस खा रहा है तो ये उसको कौन सा डिजीज हो, मतलब कौन सा मतलब वार्म से अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा टिनिया सेजिनाटा से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर टिनियसोलियम जो है ये अगर ह्यूमन को अटैक किया तो कौन सा डिजीज होएगा, टिनियसिस, राइट। पर आप जानते हैं कि इसका मेन दो लार्वल फॉर्म रहता है, टिनियसोलियम का दो मेन लार्वा फॉर्म रहता है, एक रहता है ऑंकोस्फोर लार्वा, फ्रॉम ऑंकोस्फोर लार्वा इट इज डेवलप इंटू सिस्टी सर्कस लार्वा, कौन सा लार्वा बच्चों, ये डेवलप हो जाएगा सिस्टी सर्कस लार्वा में, ठीक है, सी वाई एस टी सी ई आर सी यू एस, सिस्टी सर्कस लार्वा में ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टी सर्कस लार्वा एक्चुअली अगर ह्यूमन को अटैक किया तो ये एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम सिस्टी सर्कोसिस, सिस्टी सार्कोसिस। नाउ दिस डिजीज सिस्टी सर्कोसिस इज मोर डेंजरस देन टिनियसिस, अगर किसी को सिस्टी सर्कस लार्वा अटैक कर दिया टिनियसोलियम का तो वो क्या हो जाता है, कौन सा डिजीज से सफर करता है, सिस्टी सर्कोसिस डिजीज से सफर करता है। एंड दिस सिस्टी सर्कोसिस डिजीज इज मोर डेंजरस देन कौन सा, टिनियसिस। अब देखिए ये सिस्टी सर्कस जो लार्वा है ये ह्यूमन के बॉडी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैडर वर्म में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है एक खतरनाक वर्म जिसका नाम होता है ब्लैडर वर्म, क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है ब्लैडर वर्म, राइट। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चार इसका क्या रहता है, साकार रहता है, राइट, इस तरह का चार साकार तो दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये है, और ये ऊपर का ये पार्ट क्या है, रोस्टेलम, यहाँ पर हुक्स रहता है, और ये क्या है एक्चुअली, इसको बोलते हैं ब्लैडर वर्म, बी एल ए डी डी ई आर, ब्लैडर वर्म, राइट। तो ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ें है जो कौन सा डिजीज कॉज करेगा बताइए, सिस्टी सर्कोसिस। और ये ऑंकोस्पोर से जब क्या होगा, सिस्टी सर्कस लार्वा में कन्वर्ट होगा तो बीच में कौन आएगा, हेक्साकांत, कौन आएगा बच्चों, हेक्साकांत बोल के एक लार्वा मैंने बनाया था आपको, बताया भी था इसका डायग्राम बताया था, इस तरह से कितना काटा रहेगा इसमें, सिक्स, राइट, इस तरह से भयानक एक लार्वा डेवलप हो जाएगा जिसका नाम हेक्साकांत। तो हेक्साकांत तो छोड़िए, ये कोई मतलब इन्फेक्टेड मतलब स्टेज है, पर सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन रहता है, ये ब्लैडर वर्म जो कौन सा डिजीज कॉज करता है बताइए, सिस्टी सर्कोसिस। और जो ब्लैडर वर्म ये कहाँ से बनता है, सिस्टी सर्कस लार्वा से, और सिस्टी सर्कस लार्वा डेवलप कहाँ से होता है, ऑंकोस्फोर लार्वा ऑफ टिनियसोलियम, राइट। तो बच्चों आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड मेक सेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, थैंक यू, बाय।